अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, क्या नशा करते हो बेटा? अरे नशा जो अंतरिक्ष में जाते हैं, नासा। हाँ हाँ नासा, इसको वो छोटे छेद का बहुत शौक है। मुझे भी। तो कैसे हो मैं प्रवासी हूँ, मैं अपने एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गाइस जैसे कि आप सभी को पता है मेरा हर वीडियो बस आप लोगों को हंसाने के लिए होता है, तो इसे बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना, बस मजे लो। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को जो भी पर आपको अच्छा लगता हो कमेंट में जरूर से बताना, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस हेडफोन लगा लो, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नानो कौन सा सॉन्ग सुन रहे हो? शिशु का तू मेरी हूँ मैं तेरा नोबिता, मोदी जी अफ्रीका से ले आए हैं चीता, बदल रिसनीत संपूर्ण वीता, जीने का मन नहीं है फिर भी हूँ जीता, विटामिन सी की कमी खाऊंगा पपीता, ये सुनने से अच्छा है तुम पढ़ लो भगवत गीता, देख लिया आपने लापरवाही का नतीजा। अच्छा लव, अभी लव करते हो क्या? नहीं करते हैं। लव का मतलब क्या होता है? मालूम नहीं है। तुमको मालूम है? हाँ थोड़ा बहुत मालूम है। क्या होता है? चुमा चाटू। सर्ग स्वागत करता है रैपर राजू भाई, मैं बस्ती का हस्ती ब्रो, पिटाउन भाई भी हिंदी मातृभाषा है, सर्ग स्वागत करता है, मैं बस्ती का हस्ती ब्रो, आगे ने वाले को गाइड दिलो मैंने वो देखिए बात पता है क्या, मैं अभी आपसे यही बात कर रहा था जब हम शुरू में बैठे हुए थे ऑफ ईयर। देखिए हर चीज की अपनी एक वैल्यू है, पानी के कतरे की अपनी वैल्यू है। पानी का कतरा आसमान से गिरे बरसात बन जाता है, आंखों से गिरे जज्बात बन जाता है, वाह वाह वाह, नीचे से गिरे खानदान बन जाता है। ये जो तू 10 रुपए की सिगरेट पी रहा है, ये नहीं कि वहाँ पे वो जो लाचार बच्चा बैठा है उसको दे दे, उसका भी भला हो जाएगा और तू भी कैंसर से बच जाएगा। वहीं पे बैठ के कमाया मैंने। अच्छा लोगों को पता भी नहीं है कि he doesn't try to be funny, but yeah. he is. Yeah. is. That's what we love about. दांत देनी पड़ेगी उनकी 12 ऑपरेशन करा के भी, मतलब क्या देनी पड़ेगी? दांत देनी पड़ेगी, दांत नहीं। हेलो गाइस, इंडिया का बिगेस्ट क्रिकेट फेस्टिवल आईपीएल शुरू हो चुका है और इस आईपीएल आपके पास है मौका बड़ा विनिंग्स जीतने का। एनु रसेल आपको इनवाइट करता है प्रेडिक्शन करने के लिए, और अगर आपका प्रेडिक्शन सही होता है तो आप जीत सकते हो रियल कैश। मोस्ट बेट आपको ऑफर करता है रियल कैश अगर आपका प्रेडिक्शन सही होता है तो, जैसे कि मुंबई और चेन्नई इस मैच में खेल रहे तो कौन जीतेगा, और इसी के साथ आप लाइव मैच में भी प्रेडिक्शन कर सकते हो, जैसे कि अगला बॉल में क्या होने वाला है या फिर एक ओवर में कितना रन होगा। यहाँ पर आप क्रिकेट के अलावा भी और भी सारे स्पोर्ट्स में प्रेडिक्शन कर सकते हो, जैसे कि फुटबॉल, टेनिस, हॉकी एक्सेट्रा, और साथ ही आप इधर लाइव मैचेस भी देख सकते हो। और इसके अलावा भी मोस्ट बेट आपको ऑफर करता है कैसीनो गेम, जैसे कि जेटएक्स, क्रैशएक्स, पोकर, स्लॉट्स एक्सेट्रा, आप यहाँ पे बेट कर सकते हो और जीत सकते हो रियल कैश। मोस्ट बेट आपको ऑफर करते हैं इंस्टेंट डिपॉजिट विद ऑनलाइन पेमेंट्स लाइक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एक्सेट्रा, और साथ ही आप अपना जीता हुआ अमाउंट इजीली विड्रॉ कर सकते हो बिना किसी देरी और कमीशन के। और साथ ही मोस्ट बेट आपको प्रोवाइड करते हैं 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी। 100 असल आपके साथ शेयर कर रहे एक सीक्रेट प्रोमो कोड जो कि हैप्पी, यूज दिस प्रोमो कोड एंड प्ले टू विन बिग प्राइजेस लाइक मोटर बाइक, लकी ड्रॉ, गिफ्ट्स, साइंड मर्चेंडाइज, टी शर्ट एक्सेट्रा। सो गाइस लिंक एंड प्रोमो कोड आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा, गो एंड साइन अप, एंड रजिस्टर करते वक्त प्रोमो कोड को यूज करना ना भूले। लेट्स सेलिब्रेट दिस स्पेशल मोमेंट विद 100 असल। अरे सर डिस्काउंट तो चुपचाप डिस्काउंट दे, फोन अच्छा है ना? बहुत अच्छा सर, ये लो मेरे लिए। इसलिए दो लाया हूँ, एक तुम्हारे लिए एक वियोम के लिए। थैंक यू सर। शर्म नहीं है तेरे को? फर्जी नोट से फोन खरीदा तेरे सामने फिर भी ले लिया, अब मैं अकेला गिल्टी नहीं हूँ। देखते टाइम तो बड़ा सर्च करते होगे तुम लोग सिंधी जेल ये सब वो सब, बट तुम्हें पता है अब ये रियलिटी में हो भी सकता है, क्योंकि पंजाब बिकेम दी फर्स्ट इंडियन स्टेट जहाँ पर जेल में जो प्रिजनर्स हैं उन लोगों को मौका मिलेगा सेक्स करने का। हाँ पंजाब पुलिस, हाँ जी मैंने एक मर्डर किया था, हाँ चोरी भी की थी, हाँ मैं MP का हूँ लेकिन नहीं नहीं मैं पंजाब में आके चोरी किया था, हाँ हाँ तो आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए प्लीज। कुछ तो बाकी है, कुछ तो बाकी है। अच्छा आप मुझे बताएं कितने मुल्क घूमे मैं? मैंने हाँ फिलहाल तो मैंने 3 घूमे। ठीक है समरिया। कौन कौन से? बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत। क्या क्या बोला? श्रीलंका। श्री पाए खाते क्या हो? श्रीलंका। बांग्लादेश तो अपना ही था लेकिन अब अलग हो गया। अब अलग हो गया। बंगाल बीवी भी मेरी बंगाली है। बीवी भी बंगाली। कलकत्ता की है। कलकत्ता की। सोलड पीस है। आपे अलाउड नहीं अंदर। इधर हो गया सर। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। मेरे बीएस की ओडी चेक कर लो।
तू बहुत सही दोस्त है मेरे भाई, तेरे जैसे दोस्त होना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। स्टूडियो की कैपेसिटी उतनी, पर जब आप आते हो पता नहीं एक के ऊपर कैसे बैठ जाते हैं लोग। देखिए इनको एक के ऊपर एक बैठना अच्छा लगता है। हमारे साथ एक संजय भाई थे ग्रेजुएशन में, तो वो बड़ा टाई वाई सूट पहन के आते थे क्लास में। अच्छा, हम तो लोअर वोअर पहन के चले आते थे, डिसेंट होकर नहा लिया, शेव बना लिया अपना, लोअर पहन के अपना चले गए। एक दिन हम बैठे थे छात्र संघ पे, तो फिलॉसफी की क्लास थी, तो हमारे साथ एक साहब बैठे थे, उन्होंने कहा भाई संजय बड़ा हीरो बन गया, हमने कहा मजा ले, तो आई एंटर्ड इनटू क्लास, ही वाज सिटिंग विद द गर्ल्स इन द रो, आई सेड टू हिम संजय सिगरेट, अरे मैंने कहा भरी हुई ले ले, एंड देन द प्रोफेसर आल्सो एंटर्ड, हम जाके बैठ गए, फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स ही वाज स्टेयरिंग एट मी, द क्लास वाज ओवर, ही रश्ड टुवर्ड्स मी, दौड़ा मेरी तरफ, कॉलर पकड़ लिया, दिमाग खराब हो तो जाओ पागल हो तुम, बात मत करना उससे। अबे मैंने कहा क्या हुआ, कहते वो शालिनी देख रही थी, औरत का चक्कर बाबू भैया औरत का चक्कर, हमने कहा शालिनी कौन सी तुम्हारी माँ है जो तुम इतना डर रहे हो उससे, वो बंदा मुझसे 3-4 साल बोला ही नहीं, बात ही नहीं किया, बात ही नहीं किया भाई साहब, इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई, फिर मैं उसे शादी का कार्ड देना गया, अवध वेड शालिनी। क्या हुआ, हो गया शादी से पहले, सड़ी तुझे क्या, तू है कौन, ये एंटीक 400 साल पुराना एंटीक था, थैंक गॉड मुझे ऐसा लगा नया था। उलझाऊ नहीं, हाँ उलझाते थे वो बताना चाह रही थी कि 10 होते हैं आपको नहीं पता। हाँ, और हमारे जमाने में मैथ्स के सवाल भी अजीब होते थे। क्या अहमद के पास 5,000 रुपए हैं, रजिया ने अहमद को मुस्कुरा कर देखा, अब बताइए अहमद के पास कितने पैसे बचे, समझ रहे हो ना। हेलो कैसा है भाई, कैसा है, ठीक है हूँ भाई, अब क्या भाई, मैं सुना भाई तेरा दादाजी मर गए, बुरा लगा भाई सुन के, अरे कोई नहीं भाई, अब तो तू गंजा हो जाएगा, हाँ होना ही पड़ता हमारे यहाँ पे तो भाई, तो मैं कह रहा हूँ अब गंजा हो ही जाएगा, जो उसके बाद जो तेरे पे हेयर ड्रायर है वो मेरे को दे दे, मेरा खराब हो गया है। रेड हमें एक लीडर चाहिए, हाँ, भाँ, भाँ, क्या करें, एक मिनट मैं कोई लीडर नहीं हूँ, ओके पिगीज ने हमारे बच्चे चुराए, बहुत बुरा हुआ, हम सबको उल्लू भी बनाया, तो अब हम क्या करेंगे, हम उन बच्चों की जगह नए बच्चे पैदा करेंगे, लेडीज लोग कमर कस लो, हो जाओ तैयार, आज हमें बहुत मेहनत करनी है। मेरे लिए मोहब्बत ही सब कुछ है। अच्छा वेरी गुड, कल रात दो लड़कियां मिली थी क्लब में, एक ब्लैक थी और एक व्हाइट, घर किसको ले गया, पियानो बजाने बैठा हूँ, ब्लैक की है सिर्फ, व्हाइट की से तो बजेगा नहीं, दोनों बजाना पड़ता है, ठीक है ना, करते ना सबर। ये लोग कौन है, ये और वॉचमैन क्यों आ रहे हैं, ये भाई मुंबई का मैच है क्या, पब्लिक देख के तो ये लगता है बैंगलोर के मैच के दिन आना चाहिए। कहाँ मिलेगा आइडिया, भागो भागो यहाँ से, गंदे आलू कभी नहीं सुधरेंगे, अब चोट तो नहीं लगी ना, संभल के तुम्हारा बैग। I love you, आलू, you're the best. ऐसे ही खोज खोज के लाते हैं बिंगो के लिए अच्छे आलू, जिससे मिले आपको लाजवाब। गाइस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और वीडियो का जो भी वर्ड आपको अच्छा लगे कमेंट जरूर से बताना, और अगर आप चाहो तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस मैं आपसे मिलूंगा एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। भागते भागते खुल गया जूते का फीता, RCB ने अब तक कप नहीं जीता, बेइज्जती कराने का।